हाँ जी, क्या हाल है सबके? अरे वो सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तेरे जैसे पता होगा कि आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो गई है और ये शायद 16 तारीख से वर्ल्ड वाइड सेल पे जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि जो आईफोन की प्राइस होती है वो इंडिया के लिए और होती है और दूसरी कंट्रियों के लिए और होती है। इंडिया का प्राइस थोड़ा सा महंगा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान में आईफोन कितने का मिलता है और अगर आप जापान से लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता मिल सकता है फोन। मैं खुद शॉक्ड रह गया जब मैंने इंडिया के प्राइस और यहाँ के प्राइस में कंपेयर किया और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सस्ता फोन है, क्योंकि जापान की जो इस टाइम पे इकोनॉमी है ना, जो करेंसी, वो डे बाई डे डाउन हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जापान के प्राइस और इंडिया के प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आप कोई लेना चाहता फोन तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं ट्राई करूंगा आपको कि यहां से अगर मैं फ़ोन भेज सकूं आपको तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहां के प्राइस दिखाने के लिए मैं आपको जो जापान की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जापान की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो गई है और ये एक्चुअली पूरी साइट जो होती है जैपनीज में होती है, बट मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैं गूगल क्रोम को एक्टिवेट कर रखा हूँ, तो ये हमेशा साइट मेरी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है। तो जैसे अब मैं इसको ओपन करता हूँ, एप्पल की ऑफिशियल साइट को ओपन किया। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए आप किसी भी टेक यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं जो कि इंडिया में भरे पड़े हैं। तो देखो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अगर ये नीचे जाते हैं तो देखो ये आईफोन 14 आ गया और नीचे इनके जितने भी प्रोडक्ट है वो आ रहे हैं। सिर्फ आपको प्राइस बता रहा हूँ जापान की, क्योंकि बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है और इंडिया में बहुत एप्पल लूट रहा है इंडियन को, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आईफोन 14 प्रो सिलेक्टेड है, प्रोफेशनल बियॉन्ड प्रोफेशनल, रिलीज्ड ऑन सितंबर 16। इसका मतलब ये है रिलीज तो हो चुका है, बट इसका मतलब ये है कि 16 तारीख से वर्ल्ड वाइड सेल पे जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आईफोन 14 की प्राइस। ये देखो आईफोन यहाँ पे 14 प्रो है, ये 14 है, तो ये मैं 14 को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसकी प्राइस देखने के लिए मुझे इसको प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। जब मैं ऑर्डर में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे इसकी प्राइस शो होगी। तो मैं इसको चलता हूँ, इसको प्री ऑर्डर करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे साइड में प्री ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया ये देखो यहाँ पे आ गया। तो इसको सिर्फ हम अभी प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट विद 0%। तो अगर जापान में कोई फ़ोन लेते हैं तो EMI में लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके लेने के लिए आप आईफोन स्टोर पे जा सकते हैं या आईफोन की यहाँ से जो साइट है वो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करके ले सकते हैं। या फिर अगर आप जापान में कोई भी कैरियर यूज़ करते हैं, मीन्स कि जैसे टेलीकॉम कंपनी का, जो भी डोकोमो या फिर सॉफ्टबैंक का है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उनसे भी ले सकते हैं, उनसे भी बहुत ईजिली मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये आईफोन 14 है, इसको मैंने सिलेक्ट किया कि आईफोन 14 प्लस, मैं 14 की आपको प्राइस दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे वो भी होता है कि आप पिकअप कहाँ से करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से पिकअप करना है, आपको होम डिलीवरी चाहिए या फिर आप स्टोर से पिकअप करना चाहते हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कलर, ये मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया। अब देखो ये 128 GB का है, 119,800, और इसकी जो EMI मिनिमम बनती मंथली वो 3,327 येन की बनती है पर मंथ की, और ये 36 पेमेंट में हम इसको दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये 256 GB का, ये 256 GB का प्राइस अगर देखो तो ये 134,800 का है और इसकी EMI बनती है 3,744 येन, ये भी 36 EMI में हम इसको अब पे कर सकते हैं। अब ये जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो ये नीचे वही सारी इसकी डिटेल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये जैसे कि 134,800 है, तो अब इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है वो दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये सिटी एक्सप्रेस जापान की वेबसाइट को। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि अगर जब भी आप जापान से किसी भी कंट्री में पैसा भेजते हैं तो आप इसका यूज़ करें। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ पे फॉरेक्स की साइट है, जो भी ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं, से अगर कंपेयर करोगे तो इसका रेट हमेशा हाई होता है, उनसे मतलब कि ज़्यादा ही होता है। तो मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ और रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी को यूज़ करें तो रेट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। देखो यहाँ पे साइड में इसके रेट लिखे होते हैं, देखो इंडिया के भाई साहब प्राइस
बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। जब मैं आया था यहाँ पे 71 पे था, अब ये देखो 0.554 में है, तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा ख़राब हो रखा है। तो अभी ये नीचे पूरी कंट्री है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी होती है तो कंट्री मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ इसकी प्राइस 1,34,800 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया 74,679 का। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में। और भैया गेम चेंज होता है आईफोन 14 प्रो में, उसमें आईफोन लेने में बोलते हैं कि किडनी बेचनी पड़ती है, तो वो सही बात है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको आईफोन 14 प्रो, ये देखो भैया चमचमाता हुआ सितारा आ गया, जो कि किडनी बेचनी पड़ती है लोग बोलते हैं इसको खरीदने के लिए। तो ये देखो भैया चमचमाता हुआ सामने हमारे आ गया। अब ये नीचे सारे स्पेसिफिकेशन है तो उसको देख लेना आप। तो अब मैं इसको करता हूँ प्री ऑर्डर पे जाता हूँ, ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ये देखो ये एक प्रो मैक्स है एक प्रो है। तो अभी ये देखो आईफोन 14 प्रो, तो ये जो बेस वेरिएंट है इसका स्टार्ट होता है 1,49,800 से, और इसकी ईएमआई है 4,161 की। ये भी 36 पेमेंट में हम 3 ईयर में इसको दे सकते हैं। तो अब मैं इसको 14 को सिलेक्ट किया और नीचे ये मैं कलर सेलेक्ट किया। अब देखिए 128 GB की ये प्राइस, 256 GB की प्राइस है यहाँ पे 1,64,800। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंडियन मनी में, यहाँ पे हो जाता है भैया बहुत बड़ा गेम चेंज। देखो यहाँ पे 1,64,800 मैं डालता हूँ जैसे ही। अब ये नीचे मैं सेलेक्ट किया मैं इसको, ये देखो अब देखो भैया यहाँ पे हो गई गेम चेंज। ये एक 91,299 का पड़ता है। अब इसके प्राइस इंडिया में बात करूँ मैं तो सेम प्राइस इसकी 1,40,000 है इंडिया में। तब सोचो कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है यहाँ के प्राइस में और इंडिया के प्राइस में, कितना लूटा जा रहा है एप्पल की तरफ से इंडिया में। चलिए मैं आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस दिखाता हूँ, इसमें प्रो से भी ज़्यादा कीमत की भाई साहब गेम चेंजिंग है इसमें भी प्राइस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आईफोन प्रो है, ये आईफोन प्रो मैक्स सेलेक्ट किया, ये नीचे जाके कलर सेलेक्ट किया। देखो ये 128 GB का जो है जो बेस वेरिएंट है, ये इसकी 1,64,800 का है, जो कि 256 GB आईफोन प्रो के बराबर की इसकी प्राइस है। तो आईफोन है यार इसमें कोई मेमोरी स्लॉट वगैरह मिलता नहीं, तो मिनिमम 256 GB होना चाहिए। तो मैं 256 GB का आपको प्राइस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 256 GB की है 1,79,800। ओके अब ये नीचे आप देखोगे तो ये वैसे प्राइस बढ़ रही है। तो अगर मैं ये 1,79,800 को इंडियन में कन्वर्ट करता हूँ तो देखो कितना बनता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 1,79,800, ठीक है, ये JPY में है और ये INR पे किया क्लिक। ये देखो भाई साहब ये यहाँ पे INR पे अगर लेते हैं आप इस टाइम पे फोन, तो INR पे 98,207 रुपीज़ बनता है। और इंडिया में जो प्राइस है इसकी 1,49,900 की 256 GB की प्राइस है। तो आप सोच सकते हो यार कितना बड़ा गेम चेंजिंग है यार इसमें, पूरा पूरा मतलब 52,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो आईफोन 14 सीरीज है उसमें भी 10 से 12,000 का फर्क आता है इंडिया और जापान के प्राइस में। नो डाउट बहुत ज्यादा सर्विस चार्ज वगैरह या कुछ भी होता, बट इतना ज्यादा फर्क यार एक यूनिट पे 50,000 का फर्क कैसे, ये तो सरासर भाई साहब लूटने वाली बात हो गई ना। सब कुछ लगता है टैक्स लगते सब कुछ लगता है, बट देखो ये कितना लूट मार हो रही है आईफोन की तरफ से इंडिया में। तो अगर भाई साहब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी जापान में अगर रहता है या कोई आपका फॉरेन कंट्री में कोई रहता है तो आप उनसे बोलें, तो आपको भैया 50,000 बच जाएगा। और 50,000 बहुत होता है यार इंडिया के हिसाब से, इंडिया में देखा जाए तो। तो इसलिए आप ट्राई करें कि अगर आपका कोई फॉरेन कंट्री में रहता है जापान में या अमेरिका में, तो आप उनसे मंगा सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सस्ता फ़ोन मिल जाएगा। कोई नहीं मिलता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि अगर मैं भेज पाऊंगा तो आपको भेज सकता हूँ, पर ट्राई कर सकता हूँ, बाकी प्रॉमिस नहीं है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।